हे गाइज यार, वेलकम बैक टू माई न्यू अदर वीडियो। सो गाइज यार, सभी को सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मैं फाइनली शेडिंग पार्ट के साथ आ चुका हूँ और इसमें मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले ग्रिड को मैं इरेज करा, एंड देन उसके बाद आउटलाइन पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके पहले चला लेता हूँ। देन उसके बाद पूरा जो बैकग्राउंड को शेड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पे मैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और अभी तक आप लोगों ने पिछला पार्ट जो आउटलाइन वाला ट्यूटोरियल है वो नहीं देखा है, तो जरूर देख के आप लोग भी ड्रॉ करना। एंड काफी मजेदार है, काफी इजी वे में बताऊंगा, आप लोग मेरे रूल्स को फॉलो करना, बहुत ही इजी वे में आप लोग ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पहले तो फ्लैट ब्लर्स का यूज करके इसे अच्छे से ब्लेंड करा, एंड देन उसके बाद मैं पूरा बैकग्राउंड को जितना भी आप लोग रेफरेंस में देख पा रहे हो उतना मैं उसे पहले कवर करूंगा, उसे मैं पूरा शेड करूंगा। देन उसके बाद हम लोग डिटेलिंग पे आएंगे, मुकुट पे आएंगे। और मुकुट कुछ 4-5 स्टेप का है, अगर वो चीज फॉलो करोगे तो मुकुट हो गया, ज्वेलरी हो गए, आप बहुत ही इजी से बना सकते हो। तो आगे काफी मजेदार चीज है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फाइनली हम लोग मुकुट में आ गए, कुछ इजी स्टेप बता रहा हूँ, उसे अच्छे से ध्यान में रखना। सबसे पहले तो देख सकते हो मैं जो आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वहां पे मैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज करके जहां जहां डार्क है रेफरेंस फोटो को, तो सबसे पहले आप लोग को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और जहां जहां डार्क है, डार्क लाइन्स चल रहे हैं वहाँ पे आप लोग बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोचे समझे आपको वैसा ड्रॉ करना है, चलाते रहना है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखो, आप लोगों को सारा कुछ समझ आएगा। और देख सकते हो आप, उसके बाद यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश लिया और जहाँ जहाँ डार्क था वहाँ पे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा था। ये हमारा है सेकेंड स्टेप, इसे फॉलो करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्मूथ ब्रश लूँगा, जो कि देख सकते हो काफ़ी स्मूथ वाला मेकअप ब्रश है, तो इसका यूज़ करके मैं पूरा ब्लेंड करूँगा। जहाँ जहाँ व्हाइट है वहाँ पे भी मैं पूरा ब्लेंड कर लूँगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। और ये है हमारा थर्ड स्टेप, और इसे अच्छे से फॉलो करना है। देख सकते हो ये पूरा ब्लेंड हो गया, चारकोल पूरा सरफेस में फैल गया। और ये अब जो चौथा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टॉम्बो मोनोजीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद जहाँ जहाँ हाईलाइट दिख रहा था मुझे वहाँ पे हाईलाइट दे रहा हूँ, और अच्छे से मैं रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे हाईलाइट है, उस तरह करके मैं हाईलाइट वगैरह दूंगा। तो इसी तरह से सेम टू सेम आपको करना है, बहुत ही इजी है, आपको लग भी रहा होगा कितना इजी है, आप लोग ड्रॉ कर लोगे। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना। अब जो लास्ट 5वां स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जेली रोल पेन। अगर जेली रोल पेन आप लोगों के पास नहीं है तो कोई भी जेल पेन आप स्टेशनरी शॉप से उठा सकते हो और वहाँ से लाके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये जेली रोल पेन क्या करेगा, आपका जो मुकुट है वो ज्वेलरी वाला एकदम इफेक्ट देगा, एकदम अलग सा बोलूँ तो साइन करवा देगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा साइनिंग हो रहा। और इसी तरह करके पूरा मुकुट मैं यही 5 रूल फॉलो करूँगा। तो आप लोग ने 5 रूल देखा और यही 5 रूल यूज़ करके मुकुट, ज्वेलरी सारा कुछ बनाऊँगा। तो जहाँ पर मुझे लगेगा आगे बताना है मैं वहाँ पर ज़रूर बताऊँगा, जैसे फेस वगैरह में। तो अभी अभी के लिए मुकुट वाला पार्ट पूरा इंजॉय करके देखो और आप लोग ड्रॉ कर लो।
तो फाइनली मुकुट वाला पार्ट और बैकग्राउंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और अब आ गए हम लोग फेस वाले शेडिंग पे। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो मैं आई से स्टार्ट किया हूँ और यहाँ पे शेड करना स्टार्ट किया हूँ। सबसे पहले चारकोल पेंसिल जो कैमलिन की है उससे मैं पूरा आईज़ को जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क था वहाँ पे मैं चलाया हूँ डायरेक्टली, एंड देन उसके बाद ब्लेंड किया हूँ तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा। और देख सकते हो इस तरह करके अच्छे से जो हमारा सरफेस है काफ़ी स्मूथ हो जाता है जब हम मेकअप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड करते हैं। तो ये कुछ ऐसा लग रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके। फेस को सेड करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके पहले फर्स्ट लेयर चलाया, देन उसके बाद यहाँ पे मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ फिर सेकेंड लेयर चलाने के लिए, फिर मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यही दो चारकोल पाउडर और ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके मैं पूरा फेस सेड कर रहा हूँ। तो इसी तरह करके आप लोगों को करना है और अच्छे से ब्लेंड करते रहना है जैसा कि आप मैं कर रहा हूँ। इसी आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो, सारा को समझ में आएगा। और जिस तरह से मैं फर्स्ट आई सब ड्रॉ कर रहा था वैसे ही सेकेंड आई भी ड्रॉ कर लूँगा। और हाँ गाइज, मैं हाईलाइट के लिए जनरल्स की चारकोल पेंसिल वगैरह भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग के पास कोई भी चारकोल पेंसिल है, वाइट चारकोल पेंसिल, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं फेवर कैस्टल का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चारकोल पेंसिल जो कैमलिन की चारकोल पेंसिल उसको अच्छे से शार्प कर लेना और उसका यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें।
फिर से मैं पूरा बैकग्राउंड को सेट करूंगा। यहाँ पे चारकोल पाउडर का मोस्टली सब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो चारकोल पाउडर बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है सरफेस को, तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता। डार्क सरफेस के लिए मैं यहाँ पे कैमलिन की चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी साइन वाले हाईलाइट थे तो यहाँ पे मैं जेरी रोल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, वाइट जेली रोल पेन। और यहाँ पे आप लोग जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वाइट जेल पेन। देन उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट था तो टॉम मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके थोड़ा बहुत हाईलाइट वगैरह करा। और अब हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी वाले पार्ट में, तो ज्वेलरी वाले पार्ट में भी सेम वही 5 रूल फॉलो करना है जो हम लोगों ने मुकुट वाले रूल मुकुट वाले चीज में फॉलो करा था। तो सेम देख सकते हो मैं यहाँ पे कैमलिन की चारकोल पेंसिल का यूज़ करके जो डार्क पार्ट है उसे मैं दे रहा हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगा फ्लैट ब्रश का यूज़ करके, देन उसके बाद सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करके, फिर उसके बाद मैं टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट दूंगा, फिर उसके बाद ज़्यादा साइन के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं जेली रोल पेन का यूज़ करके उसमें साइन लाऊंगा। तो इस तरह करके वही स्टेप है, वही 5 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है और आपका जो ड्राइंग है वो गजब का हो जाएगा। तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखो और जिस तरह से मैं डो कर रहा हूँ वैसा डो करूँ। फाइनली हमारा ड्राइंग है जो वो लगभग कंप्लीट हो गया और आई होप कि वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होगे और आप लोग भी ड्रॉ कर रहे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, के लिए बाय एंड टेक केयर।